नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आपके जीवन का सबसे बड़ा काटा या एक इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में काली नज़र बिछाए बैठे हुए हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि वे हमेशा आपको बर्बाद करने की ही माला जप रहे हैं और दोस्तों आपकी बर्बादी के पीछे का कारण केवल यही इंसान है और आपके दुखों का भी कारण केवल यही इंसान है। और दोस्तों अगर आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और जीवन में आप कभी सुखी नहीं रह पाते हैं दोस्तों, तो इसके भी पीछे का कारण केवल ही केवल यही इंसान है। जी हाँ दोस्तों हमारे जीवन में कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ अपने होते हैं तो कुछ पराये भी होते हैं, कुछ हमारे मित्र भी होते हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वे हमेशा आपको अपने से नीचे ही दिखाना चाहते हैं दोस्तों। परंतु पता हम कैसे लगाएं कि आखिर यह इंसान कौन है, हमारे अपने हैं या फिर पराये हैं या फिर हमारे मित्र हैं या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस का कोई भी लोग है जो आपके पीड़ों का आपके दुखों का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है और दोस्तों आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोक रहा है। जी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर वह व्यक्ति कौन है, आपको ऐसा क्यों कर रहा है और उन व्यक्तियों का लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो, इस इंसान आपको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कोई खरोच ना पहुंचा सके, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो आप सभी के लिए सलामती के लिए बनाई गई है और आने वाले भविष्य आपके लिए कारगर भी साबित हो सके। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों साथ ही बात करेंगे कि आने वाला भविष्य भी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को 100% हम सटीक देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले केवल माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिर वह कौन सा व्यक्ति है जो आपको हमेशा आपके ज़िंदगी में दुखों का कारण बना हुआ है, आपकी तरक्की को देखकर हमेशा वे जलते रहते हैं, आपके पीछे हमेशा वे हाथ धो के पड़े हुए हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं उस व्यक्ति के लक्षण के बारे में। दोस्तों आपसे जलने वाला व्यक्ति आपकी तरक्की को देखकर, आपकी उन्नति को देखकर और आपके लिए हमेशा बुरा सोचने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आँखों में ये सब देख सकते हैं और कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। दोस्तों आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में देखते होंगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति और बुरे व्यक्ति इस तरह के लोग हैं जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे, जैसे कि कोई मित्र भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है और ख़ासकर तो गांव घर का कोई भी इंसान हो सकता है जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बन सकती है कि दोस्तों जो इंसान आपसे ईर्ष्या रखते हैं उस इंसान से आप हमेशा दूरी ही बना करें, क्योंकि वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं और आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से आप बचकर दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही साथ समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। जी दोस्तों ऐसे लोगों से आप लोग हमेशा दूर रहें, खासकर आप लोग अपने से और मित्रों से। जो मित्र आपको देखकर ऊपर से हंसते हैं लेकिन भीतर भीतर आपके बारे में बहुत सारा वे कांटे खोलते हैं, दोस्तों आप लोग ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। और दोस्तों जो लोग आपके दुश्मन हैं उनसे तो आप लोग हमेशा दो कदम दूरी ही बनाकर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन अक्सर कभी नहीं चाहेंगे कि आप जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें, आपके बारे में हमेशा ही बुरा सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा ज़रूर अपने जीवन काल में ध्यान में रखिएगा।
और दोस्तों खासकर आप लोग अपने जीवन काल मतलबी लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि वे लोग हमेशा अपने मतलब के बारे में ही सोचते हैं। दोस्तों कि कहते हैं ना कि अपना काम बन गया तो भाड़ में जाए जनता। दोस्तों इसलिए आप लोग हमेशा मतलबी लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि वे लोग हमेशा अपने काम के बारे में ही सोचते हैं। वे दूसरों के बारे में ही नहीं सोचते हैं, बस वे अपने बारे में ही सोचते हैं। जी दोस्तों, दोस्तों अगर ऐसा इंसान आपके जीवन में है तो आप उनसे दूरी बना कर रहें, तो इसमें आपके लिए ही बेहतर रहेगा। जी दोस्तों, दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला समय में आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों आने वाला समय आप लोगों के लिए बेहद ही शुभ साबित होने वाला है। दोस्तों यह समय आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धन राशि खर्चा कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन या वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो आने वाले समय में इसकी कामना भी आपकी पूरी हो सकती है। और दोस्तों आने वाले समय में आपको धन लाभ भी खूब होंगे, लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी, जिसके कारण आपका आर्थिक संतुलन भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी आने वाला समय बेहद ही शुभ समय रहने वाला है। आप अपने कारोबार के माध्यम से अच्छा लाभ भी कमाने में कामयाब रहेंगे और उसका विस्तार भी होंगे। और विदेश से जुड़े व्यवसाय या फिर नौकरी करने वालों के लिए आने वाला समय शुभ साबित होने वाला है। दोस्तों यदि आप विदेश में जाकर अपना करियर बनाने की सोच रहे थे, तो आपकी ख्वाहिश भी आने वाले समय में पूरी हो सकती है। और दोस्तों सत्ता सरकार से जुड़े किसी भी उच्च अधिकारी या फिर प्रभावी व्यक्ति की मदद से बड़ा लाभ भी प्राप्त करेंगे। इस दौरान संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धियाँ आपकी खुशियों का बड़ा कारण भी बनेगी। और इस दौरान पर्यटन के लिए भी आप परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी पर भी निकल सकते हैं। यात्रा आपके लिए सुखद एवं मनोरंजन भी साबित होंगी। और दोस्तों ऐसे माता की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित भी रह सकता है, हालांकि आपको खुद भी खान पान और अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। और नशे से बचें और वाहन भी आप सावधानीपूर्वक ही चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंकाएं बन रही है। और दोस्तों व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद ही सफल और लाभप्रद भी साबित होंगी। और प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी आने वाला समय आप लोगों के लिए अनुकूल समय साबित होने वाला है। दोस्तों लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग भी देखने को मिलेंगी। और दोस्तों आपको अपने लव पार्टनर से कोई भी सरप्राइज भी गिफ्ट मिल सकती है। और लव पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ भी बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के कई मौके भी आपको मिलेंगे, जिनसे आपका मन काफ़ी प्रसन्न और खुश भी नजर आएगा। और दोस्तों आने वाले समय में आपको सगे संबंधियों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग भी प्राप्त होगा। और दोस्तों आपको राजकीय मामलों में सफलता की प्राप्ति भी मिलेगी और भाग्य उदय संभव है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता भी मिलेगी और खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल भी कर लेंगे। अपनों के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं और मित्रों का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। और पुराने परिचित लोगों से मुलाकात भी होंगी और जिम्मेदारियों का बोझ भी ज़्यादा रहेगा और लोगों की पुरानी समस्याओं के समाधान होने के आसार भी नज़र आ रहे हैं। वर्त के बाद विवाद में बिल्कुल ही पढ़कर अपना समय बर्बाद ना करें और आपकी पुरानी परेशानियों का या समय कोई भी समाधान मिल सकता है। किसी से बात विवाद आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है, तो इसमें आपको बेहद ही सावधानी के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाना होगा। और यह समय आप किसी से बात विवाद बिल्कुल ही ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।